आए दिन समाचार में आते बेटियों पर हिंसा और हैवानियत को सुन के हर एक माँ बाप का कलेजा कांप उठता है। इसीलिए हमें हमारी बेटी के प्रोटेक्शन के लिए, जब से हमारी बेटी 1 साल से 5 साल की तक की ना हो जाए तब तक उसे हमसे दूर नहीं रखना है, उसे हमारी आँखों के सामने रखना है। किसी भी अपने करीबी हो या दूर के हो, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। मतलब सब हमारा ही होते हैं, पर 60% जो भी ऐसी वारदात होती है वो अपनों से ही होती है। हमें अपने जो विश्वासु होते हैं उन पे ही विश्वास करना चाहिए, और 5 के बाद 16 साल तक अपने बेटे को समझाना चाहिए कि वो किसी अनजान जगह पर खड़ी न रहे, न किसी अनजान से बात करे, न किसी अनजान की दुई हुई कोई चीज़ खाए, और उसे सब चीज़ इनडायरेक्टली, चलो हमें लगता है कि हमें हमारे बेटे को ये सब नहीं समझाना चाहिए, पर इनडायरेक्टली समझाना चाहिए, क्योंकि ज़माना बदल गया है। पहले ये सब नहीं होता था, अब ये सब होता है। इसलिए हमारी बेटी को हमें इनडायरेक्टली सब समझाना चाहिए कि बेटी ये है, ये है, ये है, तो वो धीरे धीरे समझ जाएगी, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं, उन्हें समझाना हमारा फ़र्ज़ है। और उन्हें कराठा और सेल्फ डिफेंस में जो भी आता है वो सब सिखाइए, और हमारे प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप लेने चाहिए, लड़कियों के लिए कराठे और कुछ भी सिखाए, और उनके लिए कुछ स्पेशल ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करें। और इसके बाद 16 के बाद हमारी बेटी हमारे संस्कारों से किसी का भी सर और मुंह भी तोड़ के आ सकती है। इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी बेटी को, कि बेटी ना हमारी जान होती है, और रोज़ ऐसे समाचार देख देख के तो हमारा कलेजा काट जाता है। तो प्लीज़ अवेयर, बी अवेयर, और हमारी बेटियों को बचाने के लिए हमें भी अवेयर रहना चाहिए। थैंक यू।